आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत का पुलाव, जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं, जो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नवरात्रि जब भी आती है ना, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो नवरात्रि पर हम खाते हैं। एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है समा के चावल, इसे समक के चावल भी कहते हैं। इसके बारीक दाने होते हैं, इसमें बहुत ही न्यूट्रिशंस होते हैं। तो इसका हम बनेंगे पुलाव या उपमा, जो भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप लिया है और इसे भिगो देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। और अब गैस पर पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब देसी घी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे, आप मूंगफली भी रोस्ट कर सकते हैं। लो फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे। अब इन्हें निकाल देंगे और 2 चम्मच के करीब फिर से घी डाल देंगे। और अब इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, अदरक चॉप करके डालेंगे थोड़ी सी, करी पत्ते डाल देंगे, 2 हरी मिर्च चॉपकी हुई डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इन्हें चला लेंगे। अब इसमें 1 आलू चॉप किया हुआ और 1 टमाटर चॉप किया हुआ डाल देंगे। इसमें से जो भी चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। इस नमक में मेरे रोस्टेड जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ऐड है, आप अलग से 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं। और आलू छोटे छोटे कट कीजिएगा ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि आलू और टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। अब 2 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस कप से समक के दाने लिए थे 1 कप, उसी कप से 2 कप के करीब पानी डाला है। और अब इसमें डालेंगे समक के चावल, इसे अच्छे से धोकर चलनी में निकाल दिया है मैंने। अब इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद देखिए चावल ने पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसे 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो पहले इसमें नींबू का रस थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे हरा फ्रेश धनिया डाल देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 मिनट के बाद देखिए यह पुलाव बनकर तैयार है। थोड़े से ठंडे होने के बाद इसे हम सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट और अनार के दाने से गार्निशिंग कर लेंगे, यह ऑप्शनल है। और आप देखिए एक एक दाना दिखाई दे रहा है, इतना बढ़िया पुलाव लग रहा है। व्रत में झटपट बनाइए, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनते हैं ये। आप इसे व्रत में ज़रूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।